Hello everyone. How are you all? Good afternoon. So as we you know we had started our starter yesterday. We discussed mountain climbing and what difficulties the there for mountaineers to climb the mountain. Now let's start our unit nine, Nazir Sabir. So, who is Nazir Sabir? Nazir Sabir was born in Raminji in northern Hunza, Pakistan. There was no school in his village, but he worked hard and educated himself. Nazir loved mountains from a very young age. He grew up looking at the beautiful mountains around him. He has collected more than 5,000 photographs of mountains from all around the world. So he was born in Dramanji, Northern Hunsa. So, you know, Nazir from a very young age did not give up. जिस जगह वो जिस गांव में उनका पैदाइश हुई थी वहाँ पे कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं था पर नज़ीर डिड नॉट गिव अप, एजुकेटेड हिमसेल्फ और छोटी सी एज से ही उन्हें माउंटेन से बड़ा ही प्यार था ही कलेक्टेड मोर देन फाइव थाउजेंड फोटोग्राफ्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड अब हम देखते हैं कि क्या क्या अचीवमेंट्स नज़ीर साबिर ने अपनी लाइफ में अचीव किए इन 1974 सेवेंटी फ़ोर उन्होंने पासू पीक क्लाइम्ब किया विद इन जैपनीज एक्सपिडिशन वॉट इज एक्सपिडिशन आप सब एक्सपिडिशन वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए एक्सपिडिशन मीन्स कि आप एक जर्नी पे जाते एक स्पेसिफिक मिशन एक रीजन के साथ दैट इज़ कॉल्ड एक्सपिडिशन अब जो पासू पीक था दैट वैवन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड एटी फोर मीटर्स इन हन्जा जो नासिर साबिन ने अपनी लाइफ में सबसे फर्स्ट अपनी माउंटेन क्लाइंबिंग अपने करियर के अंदर की थी आफ्टर इट उन्होंने जब अपनी सेकेंड माउंटेन क्लाइम्बिंग की थी डेट वॉज माउंट पायू जो चाइना में है विच इज़ सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड मीटर्स उसके बाद उन्होंने और भी फोर पीकस इन पाकिस्तानी क्लाइम्ब की जो है माउंट के टू ब्रोड पीक गैसरब्रम वन एंड गैसरब्रम टू अब हम देखते हैं कि वॉट आर द डिफ़िकल्टीज़ नाजिर फेस जब वो माउंट के टू क्लाइम कर रहे थे ना जो माउंट केतु है क्लाइम्बिंग माउंट केतू इज़ नॉट एन ईजी क्योंकि माउंट केतू हैज़ अ वेरी बैड वेदर जब भी आप उसे क्लाइम्ब करने जा रहे हो तो इट हैज़ अ वेरी बैड वेदर एंड द रूट इज़ नॉट अ वेरी ईजी वन टू क्लाइम ही ट्राइड अगेन जब उन्होंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो वो अपने जो इस मिशन पर माउंट केटू पर सक्सेसफुल नहीं हुए ही ट्राईड इट अगेन इन नाइनटीन एटी वन दिस टाइम ही टुक अ न्यू रूट अब जब उन्होंने पहले ट्राई किया था जो पुराने रूट से तो ही नॉट सक्सेसफुल तो जब उन्हें सेकेंड टाइम ही ट्राइड ही ट्राइड विद अ न्यू रूट टू रीच द टॉप इट वॉज अ डेंजरस वर ब्लिजार्ड्स द आइसिंग ब्लू मोर देन हंड्रेड किलोमीटर पर आवर अंडरलाइन द दर्ड ब्लजार वॉट इज द वर्ड ब्लिजार्ड मीन अ हैवी स्नो स्टॉम जो आइस एंड द स्नो विद अ विद्नो स्टॉम विदेरीवी विन्स इज कॉल्ड ब्लिजार्ड्स बट नथिंग कुछ स्टॉप नजीर चाहे जितनी भी मुश्किलें आए उन्होंने गिव अप नहीं किया दर्ल्ड टू क्लाइम इट यूज द न्यू रूट सो उन्होंने ही डिन नॉट गिव एंड इन नाइनटीन एटी वन वो के टू की समिट पर रीच कर गए एंड ही इज द फर्स्ट मैन इन द वर्ल्ड जिन्होंने दूसरे रूट से इस माउंट को क्लाइंब किया एंड ही इज द सेकेंड परसन इन पाकिस्तान

जो उन्होंने माउंट एवरेस्ट का उनका जो मिश एम था उनकी जो ड्रीम थी ही अकम्पलिश हिज ड्रीम एंड ही वाज ऑन माउंट एवरेस्ट और जब वो माउंट एवरेस्ट चढ़ गए उन्होंने पाकिस्तान फ्लैग को वहाँ पे स्टैंड करवाया वहाँ पे प्लांट कई प्लांटेड द पाकिस्तानी फ्लैग ऑन द माउंट एवरेस्ट ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट एंड सबसे ही स्पलेंडेड मोमेंट थी एन अमेज़िंग एंड अनएक्सप्लेनेबल मोमेंट जिसके लिए वो अपनी पूरी लाइफ मेहनत कर रहे थे ये मोमेंट उन्होंने अचीव कर ली थी उसके बाद नज़ीर हैज़ गॉट मैनी अवार्ड्स एंड मैनी प्राइड्स फॉर इज ग्रेट अचीवमेंट हिज रिसीव प्रेसिडेंट अवार्ड फॉर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इन नाइनटीन एटी टू एंड सितारे इम्तिया स्टार ऑफ एक्सीलेंस इन टू थाउजेंड वन नाव जो नज़ीर साबिर है वो अपना खुद का एक अल्पलाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान रन करते हैं जिसमें वो यंग माउंटेनर्स को इंक्रेज करते हैं टू ट्रैवल एंड टू ट्रेन एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी केयरिंग अबाउट द इन्वायरमेंट वो एन्वायरमेंट के लिए भी काफ़ी केयरिंग है एंड ही टेकन मैनी स्टेप्स टू प्रोटेक्ट एंड टेक केयर ऑफ दी माउंटेन्स नाजिर साबिर इज़ नॉट ओनली अ फ्यूरलेस्ट माउंटेनियर बट ऑल्सो अ ग्रेट पाकिस्तानी आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं दिया जितनी भी बड़ी मुश्किलें थी उन्होंने उनको फेसअप करके अपने जो ड्रीम्स अपने जो एम्स उनको अचीव किया उनको हासिल किया और अपने ही डर पे उन्होंने ओवरकम किया तो इज़ अ हीरो ऑफ पाकिस्तान नाओ आवर लेसन इज ओवर ना आई वुड वॉन्ट यू ऑल टू रीड पेज नंबर वन ज़ीरो थ्री वन जीरो फोर एंड वन जीरो फाइव Do the word meanings and vocabulary in your notebook. Thank you.